जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिसके संगम से आपका जीवन बनेगा सुंदर, स्वस्थ, निरोग और संपन्न। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक विश्वसनीय चैनल है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। आज जाने माने वैद्य जी हमारे साथ हैं और वो बात कर रहे हैं नाक से अचानक खून आने को हम कैसे रोकें। जी हाँ, नाक से अचानक खून आने की इस बीमारी को नकसीर कहा जाता है। इसका इलाज आयुर्वेद में है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ये अचानक से चलने लगती है। जी हाँ, अचानक से आपके नाक से खून आने लगता है। ऐसी स्थिति में आप कहीं ऐसे उपाय करें जो आपको तुरंत ही उपलब्ध हो सके। तो आज हम ऐसे ही उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको आप घर पर ही तुरंत कर सकते हैं और नकसीर से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वैद्य जी की राय नकसीर पर। वैद्य जी, कई बार ये सुनने में आता है कि ज्यादा गर्मी होने के कारण या फिर किसी और कारण से लोगों की नाक से अचानक से बहुत ही बड़ी मात्रा में खून रिसना शुरू हो जाता है, जिसे नकसीर भी शायद कहते हैं। हाँ, नकसीर ही कहते हैं जी। तो उसी नकसीर का कोई आयुर्वेद में अचूक उपाय हो जो तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली कोई फायदा कर सके। हाँ, मैं उसके लिए उपाय भी बताऊंगा, क्योंकि बड़ी परेशानी का जो है ये रोग है कि भी ब्लड निकल रहा है नाक से, तो मरीज को भी दिखाई देता है, रोगी को दिखाई देता है। वो खून देख करके तो वैसे भी लोग डर जाते हैं कि भाई क्यों है। सबसे पहला कारण है नकसीर का हाई ब्लड प्रेशर। यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो उसकी नाक का जो है मुलायम नसें फट जाती हैं, फट जाने के कारण नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और जैसा आपने कहा कि गर्म चीज खाने से, अगर बहुत गर्म चीज है जैसे मान लीजिए केकड़ा है, मछली है, अंडे का अधिक सेवन, मदिरा का अधिक सेवन, उसे भी नकसीरी फूट सकती है। वैसे मुख्य कारण है ब्लड प्रेशर, इसका मुख्य कारण। अब औषधि है, औषधि तो तलाश करेंगे, बहुत देर हो जाएगी, मरीज को परेशानी होगी। सबसे पहला तो घरेलू उपाय के अंदर आप उसके जो है माथे पर उसके ऊपर बर्फ लपेट करके और वो रख दीजिएगा, जिससे रक्त का बहाव जो है रुक सके, रक्त का बहाव रुक जाएगा, क्योंकि ठंडा बर्फ जब जाएगी तो वो जाम होगा। उसके बाद में ताजे नींबू का रस निचोड़ करके और उसकी एक पिचकारी नाक के अंदर मारिए, तुरंत रक्त बंद हो जाएगा। और नाक का ही रक्त बंद नहीं होता है, कहीं और से भी अगर कभी रक्त किसी कोई रोगी ऐसा हो तो आप वहां भी इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बढ़िया और कोई नुस्खा नहीं है। वैसे तो बहुत से हैं, हरी घास का जो है रस निकाल करके उसको जो है पिलाते हैं या नाक में डालते हैं, उससे भी रक्त बंद हो जाता है। बाकी ये नींबू का बहुत अच्छा है। वैद्य जी द्वारा बताए गए ये उपाय तुरंत नकसीर में राहत देते हैं। अगर बार बार आपको नकसीर होती है तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। वैद्य जी द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेद पर आधारित है, इसको डॉक्टर की राय के रूप में ना लिया जाए। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप भविष्य में इस तरह के वीडियोस यूं ही देखते रहें।